बैडमिंटन का सुधीरमन कप जो फिनलैंड का भंटा में खेला जा रहा है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। कल थाईलैंड के सामने 1-4 में हारने के बाद आज चाइना के सामने फिर से 0-5 में हार का सामना करना पड़ा। इंडिया का अगर 5 मैच का बात करें तो मेंस डबल के लिए अर्जुन और ध्रुव ने थोड़ा सा चाइना के सामने लड़ाई किया और फिर भी स्ट्रेट सेट में हार का सामना करना पड़ा। कल थाईलैंड के सामने भी यही एकलता जोड़ी जो इंडिया को जीत दिलाया था। इस मैच में भी पहले सेट में इंडिया का जोड़ी पीछे चल गया था, पहले 1-9 में था, फिर 4-10, फिर 9-17। उसके बाद से दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और मैच को 15-17 में लेके आया। उसके बाद दोनों के बीच में कांटे का टक्कर चला और मैच एक टाइम 20-20 में खड़ा था। उसके बाद 2 पॉइंट जीतते हुए चाइना ने 20-22 में इस सेट को अपने नाम किया। सेकेंड सेट का शुरू से ही दोनों जोड़ी में जबरदस्त टक्कर चला। मैच पहले 3-3, फिर 5-5, फिर 8-8 में आया। वहां से चाइना ने थोड़ा सा लीड लेके 9-13 में पहुंचा। उसके बाद ने इंडिया जबरदस्त खेल में वापसी की और मैच को 14-15 में लेके आया। उस जगह से फिर से 17-19। उसके बाद चाइना का जोड़ी एक के बाद एक पॉइंट जीतते गया और अल्टीमेटली इंडिया 17-21 के साथ इस सेट को भी हार गया और मैच को भी हार गया। फिर मेन सिंगल में साई प्रणीत के ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद था। फास्ट सेट का शुरू में 2-0 का लीड तो बनाया था, लेकिन उसके बाद चाइना खिलाड़ी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, पूरा मैच को डोमिनेट किया और अल्टीमेटली दोनों सेट में 10-21 के साथ चाइना मैच जीता। वोमेन सिंगल के लिए टीनेजर अदिति भाट थोड़ा सा अनलकी रहे, क्योंकि उनका फास्ट मैच ही हो गया था चाइना का चिन इओफाई, जो इस ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है। सो अल्टीमेटली इस मैच को 9-21 और 8-21 के साथ ट्रेट सेट में अदिति हार गई, लेकिन जो एक्सपीरियंस उनको मिला होगा ये फ्यूचर में जरूर काम आएगी। फिर ओमेन्स डबल में अश्विनी और रेड्डी सिक्के का जोड़ी को भी चाइना का जोड़ी के सामने हार का सामना करना पड़ा। इंडियन जोड़ी इस मैच में 2 सेट 16-21 और 13-21 के साथ हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल में भी कदम्बी श्रीकांत और ऋतुपर्णा पांडे का जोड़ी का भी प्रदर्शन खास नहीं रहा। इस जोड़ी को इस मैच में दोनों सेट में 9-21 के साथ हार का सामना करना पड़ा। और इसी तरह से इंडिया ने 5 मैच में ही हार गया और इंडिया का सारे खिलाड़ी भी नाखुश रहे होंगे इस तरह का परफॉर्मेंस से। और इसके साथ साथ दोनों मैच हार गए ग्रुप स्टेज में, तो ये लगभग तय है कि नॉकआउट स्टेज में भी इंडिया नहीं पहुंच पाएंगे।